हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभी पुष्कर में। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं एकदम से पुष्कर में कहां से आ गया, दिल्ली से। तो ये और आगे वाली दो या तीन वीडियोस पुष्कर के बारे में रहेंगी, बिकॉज यहां पे कैमल फेयर है और मैं अभी यहां पे 3 दिन हूं टू क्लिक सम फोटोज एंड ऑब्वियसली आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना रहा हूं यहां पे। सो इन केस आप लोगों को यहां आना है इस टाइम या नेक्स्ट टाइम, आप लोगों को आइडिया रहेगा एज अ फोटोग्राफर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या मिल सकता है। एवरीथिंग आई ट्राई टू शेयर ऑल थिंग्स पॉसिबल इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में। सो यही रीज़न है इस वीडियो का, आई ट्राई टू मेक व्लॉग प्लस इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ वीडियोस। सो आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छी लगे तो ये वीडियो लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोज़ भी लाइक करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं 6:05 की ट्रेन है, आई थिंक मेरे को मिल जाए ट्रेन, देखते हैं। फाइनली आई हैव रीच्ड, 6:30 घंटे की ट्रेन थी पूरा जर्नी, तो अजमेर स्टेशन पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मेरे को एक और टैक्सी या कुछ लेना पड़ेगा, मैं जाके देखता हूँ क्या है। मेरे को ना यहाँ पे जाइंट वाली फील आ रही है। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये डोर है टू द वॉशरूम, ऐसा लग रहा है एकदम जाइंट वाली फीलिंग। ओके सो बिफोर आई शो यू गाइस व्हाट्स इनसाइड माय कैमरा बैग जो मैं पुष्कर ट्रिप के लिए लेके आया हूँ, मैं सोचा था कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, बिकॉज मेरे लिए फर्स्ट टाइम है पुष्कर में। तो मैं आया दिल्ली से अजमेर ट्रेन से, तो अजमेर रेलवे स्टेशन पर उतर के आई वॉज लुकिंग फॉर अ टैक्सी, एंड जो टैक्सी वहाँ पे चार्ज करती हैं दे आस्क यू फॉर 500-600 रुपीज़। मेरे को लगा कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा है, एंड इवन माय ब्रदर एंड मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि हार्डली 250-300 लगेंगे। सो टिप ओवर हियर इज़ ट्राई ओला। ओला में एक रेंटल्स का ऑप्शन है जो मैंने ट्राई करा, सो दे चार्ज यू एज पर 1 hour and 10 kilometers का, आई थिंक मेरे को पड़ा था 280 रुपीज़, प्लस कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर्स हुए तो आई हैड टू पे 330 रुपीज़। सो इन अ वे आप यू आर सेविंग मतलब हाफ द कॉस्ट, तो वो एक ऑप्शन है। और इकोनॉमिकल ऑप्शन अगर आपको लेनी है, सेकेंड ऑप्शन जो आपको ऑलमोस्ट 25-30 रुपीज़ का पड़ेगा, सो उसमें यू हैव टू टेक अ शेयरिंग ऑटो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन अजमेर, और वहाँ से 10 रुपीज़ लगेंगे आपको बस स्टॉप पे ड्रॉप करेंगे, एंड बस स्टॉप से आई गेस 20 या 25 रुपीज़ का टिकट मिलता है जो सीधा पुष्कर तक आता है। नॉर्मल ओला भी आप बुक कर सकते हो, बट वहाँ पे लाइक द कैब ड्राइवर टोल्ड मी कि उसमें आपको चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, रेंटल इज़ अ बेटर ऑप्शन। चलो अब देखते हैं व्हाट्स इनसाइड माय कैमरा बैग, और उसके बाहर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं दूसरे बैग में लेके आया हूँ। लेट मी शो यू गाइस। ऑलराइट सो हियर्स माय कैमरा बैग। तो ये वैनगार्ड का अपराइस 49 यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दिस इज़ आई थिंक 3 साल पुराना होगा। आई बीन यूजिंग इट, इसमें मेरे पूरे कैमरा लेंसेज सब कुछ इसी में रहता है। सो लेट मी ओपन एंड शो यू गाइस कि मैं पुष्कर के ट्रिप के लिए क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। सो हियर वी गो, ये खुला। सो आई थिंक यू गाइस कैन सी, सबसे ऊपर ये इंटरवलोमीटर है which I got for review. I might use it because Pushkar mein stars hote hain raat ko. So I might use it for something interesting. Shayad uske liye alag se tutorial banao. Theek hai, ye ho gaya. So here's the main body, Canon 5D Mark III, jo mera primary body hai. I guess 2.5 saal se I'm using it. So ye mera primary body rahega jisse main photos click karunga. So I'll keep it over here. Uske baad, okay. Here's this lens. तो दिस लेंस इज बाय सिग्मा, लेट मी ओपन एंड शो यू गाइस। सो ये है सिग्मा 50mm f1.4 सीरीज, सो दिस इज अनदर लेंस दैट आई विल बी यूजिंग। तो दिस वुड प्राइमरीली बी यूज्ड टू क्लिक पोर्ट्रेट्स,
देखते हैं, आई माइट बी यूजिंग इट द मोस्ट. तो ये फर्स्ट लेंस है. उसके बाद द नेक्स्ट लेंस दैट आई वुड बी यूजिंग मेनली फॉर वाइड फ्रेम्स इज 2470 f/2.8. सो ये एक लेंस है. दिस इज द सेकेंड लेंस दैट आई एम कैरिंग. एंड आई थिंक ये मोस्टली वाइड फ्रेम्स के लिए. सिलोएट्स मैंने कुछ रेफरेंसेज देखे थे, सनसेट के टाइम काफ़ी अच्छे फोटोज आते हैं. सो आई माइट यूज दिस फॉर दोज फोटोज. तो ये सेकेंड लेंस होगा. एंड टॉकिंग अबाउट लेंसेज, थर्ड लेंस भी है टैमरॉन का, जो मेरे को अभी किसी से कलेक्ट करना है फ्रॉम समर फ्रॉम टैमरॉन. तो आई एम यूजिंग 70-200 f/2.8. मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी गेटिंग दैट लेंस. So I'm leaving today with Tamron 70-200 f/2.8. So next thing that you see over here, तो ये basically एक adapter है EF to EFM, जो मेरा mirrorless M50 जिससे मैं video shoot कर रहा हूँ उसके लिए converter है, to use any of these lenses जो मेरे Mark III, Canon 5D Mark III के लिए है. So I'm carrying it. अगर कुछ video के लिए I need a different lens, I might use it. It's better to keep it rather than regretting कि मैंने नहीं कैरी किया. So this is another thing that I'm carrying. उसके बाद ये है ट्राईपॉड. सो दिस इज़ बाई Zoma. ही अगर आपने पहले मेरी वीडियोज देखी होंगी तो आई यूज इट 2-3 times. मैंने इसका डिलीवर भी करने का सोचा था बट मैंने नहीं किया बिकॉज आई रियली लाइक इट. रीजन आई एम कैरिंग इट इज, जैसे मैंने बताया कि आई माइट डू सम एस्ट्रो फोटोग्राफी, स्टार ट्रेल्स एंड ऑल. तो आई माइट डू, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, अगर होगा तो वीडियो आ जाएगी. सो फॉर दैट रीजन आई कैरिंग दिस ट्राईपॉड. उसके बाद दिस इज द माइक जो मैंने अभी नहीं लगाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज. तो ये माइक है जो मैं अपने ब्लॉग से ले कैरी कर रहा हूँ. सो दिस इज द गो फास्ट कैमरा स्ट्रैप, जिसकी भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी. इफ़ यू हैवंट चेक इट आउट, मैं शायद आई कार्ड में डाल दूंगा. सो दिस इज द स्ट्रैप दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर ऑलमोस्ट 6 months नाउ. And I would highly recommend this camera strap because of the design and the comfort that it provides. Uske baad few last things, Godox TD685 flash that I might use it for clicking some portraits. Main dekhunga kaisa situation hai us hisab se. And isi ke liye the trigger jo off camera flash ke liye mere camera mein mount hoga. And I guess the last thing that's here is the action camera. इसका भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था. सो आई एम कैरिंग इट टू शूट सम बिहाइंड द सीन्स या कुछ भी शूट जो मैं शूट कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करने के लिए. एंड इसका एक मैंने बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला है, वो शायद मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा. दिस इज सम क्लैंप फॉर मोबाइल. एंड यहाँ पे फिल्टर है, CBL फिल्टर. आई माइट यूज इट अगर होगा, आई शो यू गाइस. सो दैट्स इट जो मेरे बैग में था फॉर पुश्कर ट्रिप. एंड आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा. नेक्स्ट पार्ट में आई गो आउट शूट समथिंग जो मैं अभी जा रहा हूँ, बट मैं वीडियो कल डालूंगा, कल या परसों जब भी. सो दैट्स इट. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग व्हाट्स इनसाइड माय कैमरा बैग फॉर दिस ट्रिप. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह. तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग.